Hey, what's up guys? Welcome back to another video. And आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही कमाल का वीडियो एडिटर जो कि आपके फोन को एक पीसी की तरह बना देगा। हाँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ क्योंकि यार इस वीडियो एडिटर के अंदर आपको वो फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको Adobe Premiere Pro या और किसी पीसी के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की फ्रेम, मल्टी लेयर सपोर्ट, प्रीसेट्स, इफेक्ट्स, मतलब बहुत सारा कुछ। तो कौन सा है वीडियो एडिटर, जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को तो फोड़ दीजिए ताकि आपको जाके आगे नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड आप इस वीडियो को मिस ना कर दें। तो अब बात कर लेते हैं भाई उस वीडियो एडिटर के बारे में, है ना। तो यार इंपॉर्टेंट पे चले जाते हैं। इस वीडियो एडिटर का नाम है व्लॉग नाउ VN। इस टाइप का लोगो देखने को मिलता है। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, यहाँ तक कि आईपैड ओएस पे भी अवेलेबल है एंड मैक ओएस पे भी अवेलेबल है। तो जाके चेकआउट मार लो अभी के भी। इसे ऐसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन हो चुका है। एक मिनट यार, थोड़ा फोकसिंग में इशू है, लेट मी फिक्स इट। हाँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये वीडियो एडिटर एंड इसमें क्या क्या फीचर्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट वीडियो एडिटर तो यही है कि भैया इसमें आपको ट्यूटोरियल्स पहले से दिए गए हैं, मतलब अगर आपको नहीं आता चलाना तो ट्यूटोरियल्स देखिए और आप सीख सकते हैं। एंड सेकंड, यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन है, आप बहुत सारे टेम्पलेट में से चूज कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिससे आप अलग अलग कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं अपनी वीडियोस या फोटोज के ऊपर। नेक्स्ट म्यूजिक है, साउंड इफेक्ट्स, ये भी दोनों आपको इसमें फ्री देखने को मिलते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। फॉन्ट्स आप इसमें नए डाल सकते हैं या फिर इन्हीं के यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी खुद की प्रोफाइल बना सकते हैं एंड इसको एक्सप्लोर पेज भी आप यूज कर सकते हैं ताकि आप दूसरों का कॉन्टेंट देख सकें। तो इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के बारे में, तो मतलब इसके अंदरूनी चीज, मतलब इसके लेयर वगैरह या एडिटिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे टैप करना होगा प्लस पे एंड यहाँ पे जाके आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा न्यू प्रोजेक्ट, स्टोरी और टेम्पलेट का। न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो आप वीडियो एडिटिंग का न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर देंगे। स्टोरी पे टैप करके आप यहाँ पे स्टोरी बना सकते हैं एंड टेम्पलेट से आप टेम्पलेट एडिट करके एक वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें न्यू प्रोजेक्ट करना है तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करिए एंड यहाँ से जाके आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिए या वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको चाहिए। मैं उसको करता हूँ और अभी वापस आता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये है सिलेक्ट कर लिए कुछ फोटोज जो कि थीम्स की थी। तो यहाँ पे मैंने, अब देख लो, यह देखो एडिटर कैसा दिखता है। यहाँ पे म्यूजिक, टेक्स्ट, मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियोस का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाता है। एक तो ये पहली बात ये है कि ये ऐसे सीधे व्यू में है, टेढ़ा भी नहीं करना पड़ेगा फोन को और एकदम मस्त एडिटिंग हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको इसमें क्रॉप का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आप अपने हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो को सेट कर सकते हैं कि कितना चाहिए। अब लेने के लिए हम ये वाला ले लें, ये ले लें वाइटी वाला या फिर 2:3 ले लें, मतलब कुछ भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अभी 2:3 लेते हैं तो इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो टेम्पलेट और फिल्टर का ऑप्शन है। फिल्टर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जाके आप अपनी मर्जी से जो है इसकी कलर करेक्शन कर सकते हैं। क्रिएट, फॉग, ल्यून, एसेंस, फिल्म, हर टाइप का आपको इसमें फिल्टर देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्पीड। अब वो क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ, बट अगर आप यहाँ पे प्लस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे जाके आप चूज कर सकते हैं कि बीच में कौन सी ट्रांजिशन आनी चाहिए दूसरी स्लाइड के साथ। जैसे ये लगा दो, यार काफ़ी सारी इसमें ट्रांजिशन है और ऐसी ऐसी है कि जो आपके फ़ोन को, आपकी वीडियो को एक काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कराएंगी। यहाँ तक कि आप मैट वाली भी लगा सकते हैं जिसमें कलर ग्रेडिंग के हिसाब से वो चेंज करता है एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। ठीक है, तो यहाँ से इसे अप्लाई कर दो एंड आपका जो ट्रांजिशन है वो लग चुकी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि है स्प्लिट। एंड स्प्लिट आपको पता होगा क्या करता है, दो वीडियो पार्ट्स को काट देता है, तो बस वही यहाँ पे होगा। उसके बाद ट्रिम पे अगर आप जाएंगे तो आप चूज कर सकते हैं कि फोटो या वीडियो का कितना ड्यूरेशन होनी चाहिए, ओरिजिनल रखना है, नहीं रखना, 2.5 सेकंड्स, 1 सेकंड, 0.3 सेकंड्स, तो इसके थ्रू आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसके अंदर वही आपको अपने ये इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो आप फोटो या वीडियो के अंदर कहीं भी लगा सकते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलता है जिससे आप डिलीट कर सकते हैं नॉर्मली। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है वॉल्यूम का, अगर आप वॉल्यूम में चले जाएं तो यहाँ से जाके आप वॉल्यूम को चूज़ कर सकते हैं कि हाई लो। उसके बाद यहाँ पे आप फेड इन फेड आउट कर सकते हैं, लाइक अगर आप लास्ट में इसको फेड आउट कर देंगे तो वॉल्यूम मतलब इतने सेकंड के बाद वो धीरे धीरे कम होती जाएगी वॉल्यूम, तो और फेड इन में मतलब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक वॉल्यूम कंट्रोलर भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखने को मिलती है वो है बीजी, यानी कि बैकग्राउंड। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन आ रहा है, तो अब इसकी जगह कुछ और चूज कर सकते हैं, कुछ भी चूज आप कर सकते हैं इस टाइप से, तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्रॉप, मिरर, फ्लिप, फ्रीज, आपको हर एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्रीज से क्या होगा कि वीडियो कट जाएगी एंड एक फोटो के फॉर्म में यहाँ पे बन जाएगी वाली वीडियो, तो इसको आप आराम से मतलब एज अ फोटो एडिट कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। लाइक फ्रीज फ्रेम जैसे Adobe After Effects या Premiere Pro में होता है।
उसके बाद यहाँ पे आप जूम कर सकते हैं आप चाहे तो, जैसे जूम इन जूम आउट ये सब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एनिमेशन के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमें देख सकते हो इस टाइप का आ गया, काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड यहाँ पे जो मेरा फेवरेट फीचर है दोस्तों वो है की फ्रेम्स। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं की फ्रेम आ गया। अब यहाँ से जाके आप इसको इधर सेट कर दीजिए की फ्रेम, और इसके बीच में आप कोई भी एनिमेशन जो है वो डाल दीजिए, लाइक आप कुछ भी एनिमेशन कर सकते हैं, इसको मूव करना हिलाना, जैसे मैं यहाँ पे ये हिला देता हूँ इसको, तो यहाँ पे एक की फ्रेम बन गया। तो अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो देखो ये एनिमेशन के साथ आ रहा है, तो इस टाइप का आप की फ्रेमिंग भी इसमें कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप इसमें आपको स्पीड मोशन कंट्रोल भी देखने को मिलता है, लाइक इस पर टैप करते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं स्पीड के ऊपर, तो अभी एक मिनट स्पीड आएगा ये रहा, तो यहाँ पे आपको स्पीड ग्राफ देखने को मिलता है जिसे आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं इसको चाहूँ तो कम कर दूंगा स्पीड, यहाँ पे मैंने स्पीड इसकी बढ़ा दी, एंड यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही कम कर दी, और यहाँ पे भी आप इसको पूरा मतलब एक तरह से पूरा ग्राफ एडिटिंग आप कर सकते हैं, लाइक एडोबे के जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर होता है ग्राफ एडिटर, उसी टाइप का, नहीं तो आप रेगुलर स्पीड एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ग्राफ वाला काफ़ी बढ़िया चीज़ है, जरूर से ट्राई कर लेना। तो बस दोस्तों यही था इस एडिटर के अंदर, एंड इसमें आई थिंक क्रोमा की का मेरे को अभी दिखा नहीं क्योंकि मैंने ट्राई भी नहीं किया, बट जितना मुझे लगता है इसमें होगा। बाकी मैं इस एडिटर को पूरा टेस्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज चालू करूँ कि आपको मैं एडिटिंग करना सिखाऊँ इस वीडियो एडिटर के ऊपर, तो आप मुझे जरूर से कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड यार वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, यही था आज की वीडियो के अंदर। एंड अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी जो कि थीम्स के ऊपर या MIUI के अपडेट्स के ऊपर डाली हुई है, तो जाके देख लो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आई बटन में भी डाल दूंगा। तो बस समाप्त करते हैं आज की वीडियो को, एंड वीडियो अगर आपको ये एडिटर डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैंने ब्लॉग पे डाल दिया है, आप जाके उस ब्लॉग को रीड कर सकते हैं। इसकी काफ़ी सारे फीचर्स मैंने वहाँ भी बता रखे हैं, और कई चीज़ें शायद अगर मैं वीडियो में भूल गया होऊंगा तो वहाँ मैंने लिख के रखा है, तो जाके आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। एंड सपोर्ट करिए यार ब्लॉग को भी पूरा का पूरा, और बस ख़त्म करता हूँ फिर आज का प्रवचन में, और चलते हैं यार फिर, बाय बाय, टाटा, किसी और वीडियो में मिलते हैं।